हेलो फ्रेंड्स, एमपी परीक्षा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज करने जा रहे हैं भोपाल संभाग का एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेहतरीन जिला, जिसे कहते हैं विदिशा। दोस्तों, विदिशा आज का कोई जिला नहीं है दोस्तों, ये प्राचीन समय से ही बहुत प्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस जिला है। दोस्तों, आप इसको भिलसा के नाम से जानते हैं, बेस नगर से जानते हैं, या बेतवा की नगरी के नाम से बहुत सारे लोग अभी भी फैला देते हैं, ठीक है। बेतवा मध्य प्रदेश की एक ऐसी नदी जिसको सबसे ज्यादा पवित्र माना जाता है, ठीक है। साथ ही साथ से मध्य प्रदेशी गंगा भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पौराणिक महत्व वाली नदी है, ये बहुत सारे प्रमुख प्रमुख प्राचीन पौराणिक स्थलों से होती हुई गुजरती है, ठीक है। बेतवा नदी के तट पर बसा हुआ विदिशा, देखिए भारत के मैप में कितना सुंदर लग रहा है, एक छोटी सी जगह, अपने आप में यहाँ की जो ज्योग्राफी है बहुत अच्छी है, यहाँ के किसान जो है बहुत संपन्न है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चना उत्पादन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन है? विदिशा है, ठीक है। उसी के साथ साथ में चने के बाद में चने से उत्पादित होने वाला जो चारा होता है, जो पूरे देश में बहुत बड़ी डिमांड है, क्यों? क्योंकि उसे खाकर पशु बहुत अच्छा दूध देते, अच्छे फेट वाला दूध देते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे चारा उद्योग भी बहुत बड़ा हुआ है। तो दोस्तों, बात करते हैं हम लोग विदिशा के बारे में। कभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी हाल करें और बेल आइकॉन भी दबाएं। तो चलिए बात करते हैं। अब विदिशा का जो नाम है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1992 में विदिशा रखा। इसके पहले इसे भिलसा कहा जाता था, ठीक है, भिलसा। दोस्तों 1904 में इसे भिलसा बनाया गया, भिलसा को बाद में कन्वर्ट करके विदिशा के साथ में जोड़ के विदिशा कर दिया गया। तो ये एक नाम परिवर्तन की जो दशा है इसकी बहुत बेहतरीन रही है। एकदम लास्ट में बात करेंगे कितने नाम इसके हुए हैं और कहां कहां से इसके किस तरह के नाम आए हैं। तो बात करते हैं, राजेंद्र प्रसाद ने 1952 में इसका नाम विदिशा रखा। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, तो ये है 7371 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या यहाँ की है 14,58,875 लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तहसीलों की बात करते हैं दोस्तों, तो गुलाबगंज, ग्यारसपुर, विदिशा, बासोदा, नटरेन, सिरोंज, त्योंदा, पठारी, लटेरी, शमशाबाद, ठीक है, ये सारी की सारी तहसीलें आपको इस इमेज में भी दिख रही होंगी। जरा देख लीजिए इसको ठीक से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सेव कर लीजिए और इसे दो चार बार ऊपर घुमा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस इमेज से आपको एक और मालूम मिल जाएगी कि जो विदिशा है वो किन जिलों से अपनी सीमा बनाता है। तो अशोकनगर, उत्तर में अशोकनगर, गुना, ठीक है, पूर्व में सागर, दक्षिण में रायसेन और पश्चिम में है आपका भोपाल, ठीक है, इन जिलों से ये घिरा हुआ है। NH-146 जो है वो इसमें प्रवेश करता है और यहां से आगे निकलता है। आगे बात करेंगे कालिदास, ठीक है, कालिदास की जो एक रचना है मलिकाग्निमित्र, ठीक है, तो मलिकाग्निमित्र के जो कैरेक्टर हैं वो शुंग राजा अग्निमित्र से संबंधित है, ठीक है, शायद से उस मलिकाग्निमित्र के जो हीरो थे वो शुंग अग्निमित्र ही थे, तो अग्निमित्र से संबंधित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैन तीर्थंकर शीतलनाथ की जन्म स्थली क्या है? विदिशा है। शीतलनाथ का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? विदिशा में हुआ था। आगे बात करेंगे तो सम्राट अशोक सागर हलाली नदी के ऊपर, हलाली बेतवा की सहायक नदी है, हलाली बेतवा की सहायक नदी है दोस्तों, और हलाली नदी पर एक डैम बना है जिसका, जो कि भोपाल और विदिशा के बीच में है, और इसी डैम के बैक वाटर को जो कहा जाता है, जो बड़ी झील बनी है उसे क्या कहा जाता है? सम्राट अशोक सागर। इसी के साथ साथ विदिशा में एक और है, सम्राट अशोक इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखे, ठीक है। सम्राट अशोक का नाम इसलिए आ रहा है कि उनकी वाइफ जो महादेवी जी रही है वो विदिशा की ही थी, वो एक वैश्य की पुत्री थी इसीलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्यारसपुर में माला देवी का मंदिर है, बड़ा ही प्रसिद्ध माला देवी का मंदिर है, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में उदयगिरी की गुफाएं। दोस्तों, मध्य प्रदेश की कोई सबसे अच्छी केव्स आपको देखनी है तो आप भीमबेटका और उदयगिरी गुफाएं जाएं, मतलब आप
आपको भोपाल के आसपास के एरिया में पहाड़ी क्षेत्र, वो भी विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र घूमना है, उसमें आपको बहुत ही अच्छा नेचर भी मिलेगा और बहुत ही अच्छे ऐतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक भी और उसके बाद के भी प्रमाण मिलेंगे। ठीक है, तो उदयगिरी गुफाएं गुप्तकालीन है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल से संबंध रखती हैं ये। आगे बात करेंगे गरुड़ स्तंभ किसने बनाया था, हेलियोडोरस ने। देखो दोस्तों, बहुत बार पूछा गया विदिशा, हेलियोडोरस का गरुड़ स्तंभ कहाँ है, विदिशा में है, किसने बनाया था, हेलियोडोरस ने बनाया था। ठीक है, ये किसके काल में आया था, भागभद्र के काल में आया था। दोस्तों गरुड़ स्तंभ की इमेज आपके सामने है, इसको देखें, इसको समझें। ठीक है, कब आया था ये, भागभद्र के काल में आया था, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस। और इसने क्या कहा, इसने कहा भैया मैं जो हूं सबसे बड़ा भागवत धर्म का प्रेमी हूं। ठीक है, या मैं जो हूं परम भक्त हूं भागवत धर्म का, और भागवत धर्म ग्रहण किया और गरुड़ स्तंभ का निर्माण किया, किसने, हेलियोडोरस ने। आगे बात करते हैं बासोदा का नीलकंठेश्वर मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, नीलकंठेश्वर मंदिर जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसके बाद में गंज बासोदा, हमें पता ही है विगत सालों से, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म स्थान रहा है, क्या, गंज बासोदा, विदिशा का गंज बासोदा। आगे चर्चाएं करते हैं दोस्तों विदिशा के कुछ प्राचीन नामों की तरफ, ये बड़े जरूरी हैं, इन्हें हमें याद भी रखना है और आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और इनको समझ भी लीजिए। दोस्तों कुछ प्राचीन नाम जो है, बहुत सारे प्राचीन नाम रखे गए विदिशा के, और इनमें से कुछ जो प्रसिद्ध हैं वो मैं आपके सामने बता रहा हूं, इनको उसी सीक्वेंस में या उसी तरीके से आप लिख लीजिए। जैसे कि भीलसा जो है ये मध्ययुगीन काल में इसे कहा जाता, उसके बाद में भंदीलपुर, ठीक है, भ लिखा है ये, भंदीलपुर जो है इसे कब कहा जाता था, भंदीलपुर जैनियों द्वारा कहा गया, सॉरी बंदिलपुर जैनियों द्वारा कहा गया। उसके बाद में महाबलिस्तान, ये अलबरूनी ने कहा, ठीक है, महाबलिस्तान किसने कहा, अलबरूनी ने कहा। फिर दशान और दशान, ठीक है, दशान और दशान जो है ये प्राचीन नाम है, दशान और दशान जो है दोस्तों ये प्राचीन नाम है। भद्रावतीपुरम, भद्रावतीपुरम जो नाम है ये मध्ययुगीन नाम है। फिर आल्डू गोपुर, ठीक है, आल्डू गोपुर ये जो है एक उपाधि थी औरंगजेब की, जो कि उसने इस शहर को दे दी, तो आल्डू गोपुर नाम है। विदेश, वेदिश या वेदिशा, वेदिश या वेदिशा जो है संस्कृत नाम है, और बेसनगर और विश्वनगर जो है ये पाली भाषा में कहा गया किसको, विदिशा को। तो देखिए दोस्तों कितने नाम रखे गए हैं विदिशा के, ठीक है, तो इन सबको थोड़ा सा इसी सीक्वल में थोड़ा वीडियो पॉज कर करके लिख लीजिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, ऐसे ही थोड़े से उटपटांग क्वेश्चन जो है हमें बहुत देखने को मिलते हैं विदिशा से। तो चलिए दोस्तों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हो पाई है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों इस टॉपिक से पहला क्वेश्चन है, विदिशा इनमें से किस वंश की राजधानी था, ठीक है, किस वंश की राजधानी रहा है या था, मौर्य वंश की, शुंग वंश की, गुप्त वंश की या नंद वंश की। तो दोस्तों इसका सही आंसर है शुंग वंश की, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग जब आए थे तो उन्होंने यहीं पर विदिशा बेतवा नदी के तट पर अपने शुंग वंश की स्थापना की थी। तो याद रखिए पुष्यमित्र शुंग जो थे वो यहीं पे आए थे। चलिए आगे बात करते हैं, शीतलनाथ की जन्म स्थली है रायसेन, विदिशा, रायपुर या गुना। तो क्या है दोस्तों इसकी सही राजधानी या सॉरी जन्म स्थली, विदिशा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विदिशा के प्रसिद्ध गरुड़ स्तंभ अभिलेख में निम्न में से किसने, किसके समक्ष अपने को परम भागवत कहा, किसने कहा, यवन राजदूत हेलियोडोरस ने राजा भागवत के समक्ष, राजा भागभद्र ने यूनानी राजा राजदूत हेलियोडोरस के समक्ष, राजा भागभद्र ने चंद्रगुप्त द्वितीय के समक्ष, यूनानी राजदूत हेलियोडोरस ने राजा भागभद्र के समक्ष। ओके, डी ऑप्शन इज करेक्ट और आपका आंसर यही होना चाहिए। इसके बाद में कौन सी नदी विदिशा में बहती है, ठीक है, सिंध, नर्मदा, सोन, काली सिंध, कौन सी नदी बहती है दोस्तों, सिंध नदी बहती है।
कौन सी नदी विदिशा में नहीं बहती है? सिंध, बेतवा, बिना या पार्वती? तो दोस्तों इसका सही आंसर है पार्वती। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, ग्यारसपुर प्रसिद्ध किस लिए है? अनेक प्राचीन मंदिरों के लिए, ग्यारह देवताओं की पूजा स्थली है, ग्यारस माता की पूजन है, या प्राचीन गांव है? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अनेक प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करेंगे, सम्राट अशोक सागर क्या है? हलाली नदी पर स्थित सिंचाई प्रोजेक्ट, हलाली नदी पर स्थित नहर परियोजना, हलाली नदी के तट पर स्थित हवा महल, क्या? तो ये सिंचाई प्रोजेक्ट है दोस्तों, ए ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उदयगिरी की गुफाएं क्यों प्रसिद्ध है? गुफा में ब्रह्मा अवतार प्रतिमाएं हैं, गुफा में विष्णु प्रतिमाएं हैं, गुफा में शिव प्रतिमाएं हैं, गुफा में वराह अवतार की प्रतिमाएं हैं। किसकी प्रतिमाएं दोस्तों? यहाँ पे वराह अवतार की प्रतिमाएं स्थित हैं। बड़े ही शानदार है ये, देखिए इमेज, और साथ ही साथ में ये भी देखिए कि किस तरीके से उदयगिरी की गुफाएं दिख रही है फिर से एक बार। ठीक है, याद रख लो दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो गरुड़ स्तंभ हेलियोडोरस याद रखना है, उसके बाद में हमें शुंगवंशी के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना है, फिर कालिदास की जो लाइन है वो याद रखना है, और हमें उदयगिरी की गुफाएं कभी नहीं भूलना है। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस टॉपिक की। इन क्वेश्चंस को मैंने कईयों बार आते हुए देखा है। इसके अलावा एग्रीकल्चर में आपको ध्यान रखना कि चने का उत्पादन भरपूर होता है, चने में चारा भी ये लोग बहुत बेचते हैं, गेहूं भी उगाते हैं, ठीक है, पर चने का भी उत्पादन बहुत अच्छा होता है, सोयाबीन भी अच्छा उत्पादन होता है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, विदिशा के पूर्व नामों में से नहीं है बेसनगर, भेलसा, बेतवा या दशार्ण? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? बेतवा नहीं है। कौन एक मुख्यमंत्री विदिशा के सांसद थे? अर्जुन सिंह, शिवराज सिंह चौहान, दिग्विजय सिंह या कोई नहीं? तो कौन थे दोस्तों इसमें? शिवराज सिंह चौहान जो थे आपके विदिशा के सांसद रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का सेगमेंट, हमारा पूरा कंप्लीट होता है। बताइए मुझे कमेंट में कैसा लगा, कोई क्वेश्चंस जो है आपको समझ में नहीं आया हो तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। कभी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, और साथ ही साथ में वीडियो को जल्द से जल्द लाइक भी कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक अलग नए जिले के साथ में। आज के लिए इतना ही, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद जय भारत। दोस्तों ऐसे और वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए एमपी परीक्षा चैनल को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अभी डाउनलोड करें परीक्षा ऐप।